दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं। सो दोस्तों अगर आप भी अपनी जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपको चेंज करना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में अपनी जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करके दिखाएंगे। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कैसे जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे राइट साइड में ऊपर हमारी जीमेल का जो आइकन होता है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है जीमेल आईडी का, वो यहाँ पर दिख जाएगा। हमें यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको सबसे पहले अपनी जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, उसके बाद ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी के आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके मोबाइल में कई ईमेल आईडी हैं, यानी 2-3 ईमेल आईडी हैं, उनमें से आप जिस भी ईमेल आईडी का अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे एरो के निशान पर क्लिक करना है। एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो सारी जीमेल आईडी यहाँ पे आ जाएंगी। आप जिस जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं उस जीमेल आईडी पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं अपनी जयसिंह वाली जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जयसिंह वाली ईमेल आईडी पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रोल करना है और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर दिख जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पर अपडेट होगा। तो हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। फ़ोन नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपका जहाँ पे मोबाइल नंबर होगा उसके सामने आपको एरो का निशान दिखाई देगा। आपको यहाँ पे एरो के निशान पर क्लिक करना है। एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपका मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा एडिट का और दूसरा ऑप्शन होगा रिमूव का। अगर आप इस मोबाइल नंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस नंबर के जगह पे आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अपने एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपसे आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ फिर से इसी प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें यहाँ पे फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद फिर से एडिट पर क्लिक करना है। फिर से एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट नंबर का, आपको यहाँ पे अपडेट नंबर पर क्लिक करना है। अपडेट नंबर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऊपर एडिट हो जाएगा। आप जो भी अपना नया वाला मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं यहाँ पे इस नंबर को हटा के अपना नया वाला मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नया वाला मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। दूसरा वाला मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट का। हमें यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन नंबर अपडेटेड। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने जीमेल आईडी का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको वहाँ पर तुरंत आपको रिप्लाई में बता देंगे।